कपड़े गिल्ले हो चुके हैं, ठीक है, खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं भाई, ठीक है। जय हिंद भाई सभी को, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज की इस वीडियो में ना आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ छोटी सी। सर हैं कि इंडियन आर्मी से ही हैं भाई, उस बंदे ने ना भाई दिल से सैल्यूट है यार उस फौजी साहब को। उसने ना एक चीज़ साबित करके दिखा दी इस जनता को कि अगर वो है ना वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तभी हम यहाँ पर इतने अच्छे से सुरक्षित हैं, अपने घरों में मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, अपनी पार्टियाँ कर रहे हैं। भाई सैल्यूट है यार उनको, ठीक है, दिल से सैल्यूट है यार ऐसे बंदे को। आप एक बार वो वीडियो देखो फिर इसके बारे में बात करते हैं। देख लो भाई हालत, ठीक है, 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, मौज कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मौज कर रहा हूँ। अच्छा असली देख लो भाई, पूरे कपड़े गिल्ले हो चुके हैं, ठीक है, खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसे जज मत किया करो, ठीक है, किसी को भी। सुन लिया ना भाई, और आपने देख भी लिया, ये सर मतलब ये खुद तो चल रहे हैं, एक पहाड़ी है, बहुत मतलब खतरनाक सा एरिया है, घना जंगल है वहाँ पर, और इतना सारा वजन ये लिए हुए हैं, अपनी राइफल है, उसके बाद फिर ऊपर से ना इन्होंने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और उसके बाद ये इतनी मतलब ड्यूटी कर रहे हैं हमारे लिए, और बारिश में भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं। एक हम हैं, अगर कपड़े भीग जाते हैं तो भाई चलना भारी पड़ जाता है। देखो यार ये चीज़ ना बहुत सारे एक्टर, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी बहुत सारे उन्होंने बोला है कि फौजी है ना जो देश के लिए फौजी करते हैं उनके बराबर कोई नहीं कर सकता यार, और ये सच्चाई है भाई, आपने देख लिया, मतलब यार कोई नहीं कर सकता 50,000 की नौकरी के लिए यार, ऊपर से अपने घर से इतनी ज़्यादा दूर हैं। अगर इनके मेहनत, इनके स्ट्रगल को देखें ना भाई, तो इनको अगर लाखों रुपए भी सैलरी दी जाए ना वो भी कम है। और भाई सैल्यूट करते हैं यार ऐसे फौजी साहब को जो मतलब इतनी दूर अपने घर से दूर हैं बावजूद, और अपने घर वाले अपने बच्चों को छोड़कर और इतनी दूर जाकर अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं। तो यार देखो अगर कहीं पे भी कोई फौजी साथी, कोई फौजी भाई मिले ना भाई, रेस्पेक्ट किया करो यार उनकी, ठीक है, वो अपने घर से इतनी ज़्यादा दूर हैं, हमारा खुद का फर्ज बनता है यार उनको रेस्पेक्ट देना, क्योंकि यार उनकी वजह से हम सब कुछ यहाँ पर कर पाते हैं। तो यार देखो मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर किसी फौजी भाई को किसी भी कहीं पर भी कोई मदद की ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़े, तो यार उनकी मदद ज़रूर करना, ठीक है, लेकिन किसी फेक फौजी की नहीं, क्योंकि फेक फौजी भी बहुत ज़्यादा हैं, और रियल फौजी होते हैं भाई, रियल ही होते हैं, और उनकी मदद करना, और कहीं पे भी मिले यार उनको मतलब एक दिल से सैल्यूट निकलना चाहिए उनके लिए, कोई भी गाड़ी जा रही कहीं पर भी उनके लिए दिल से सैल्यूट उनके लिए निकलना चाहिए, और रेस्पेक्ट किया करो यार इनकी, कहीं पे भी मिले तो उनके लिए हमें सीट छोड़नी चाहिए। मैंने बहुत सारी क्लिप देखी हैं, फौजी भाई खड़े हैं और सारी जनता वहाँ पर बैठी रहती है, तो यार वो बहुत ज़्यादा गलत लगता है, ठीक है, तो रेस्पेक्ट किया करो यार इंडियन आर्मी की। और मैं जब भी कहता हूँ जय हिंद जय भारतीय सेना।